तो उनको मार रखो। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी ईमानदारी से अपने स्तर पर प्रयास करें तो गौ माता तभी बच पाएगी। पहले इनको कहा जाता पशुधन, अब सिर्फ पशु पशु रह गए, धन खत्म हो गया। उसके सींग सींग भी लग गई, ऐसी मौत हुई कि कोई उसको देख नहीं पाया। सांड चल रहे खेत में, अब वो सरसों बोए थे वो खत्म हो चुकी, धान बोए वो खत्म पूरा हो गया। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय या सांड से कभी डर लगा है आपको? अगर नहीं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद जरूरी हैं। निर्मला ने पिछले 1.5 महीने में खाना पीना छोड़ सा दिया है, सिर्फ चारपाई पर पड़े पड़े पति के लिए बिलखती रहती हैं। एक गुस्साए सांड ने हाल ही में 55 साल के रामराज की मिनटों में जान ले ली थी। उस दिन बैठे थे कुर्सी पे, सांड आया पीछे से मारा, मार के बाद में फिर पीछे से मार गए, कुर्सी पर से गिर गए, कुर्सी पर से गिरे के बाद में वो सामने से फिर सांड मारने लगा। और कहाँ पर बैठे थे वो? ये यहाँ पे बैठे थे कुर्सी लगा के, इस जगह पर। हाँ, और फिर सामने से मारने लगा तो फिर एक लड़की थी छोटी सी। हाँ। जो एक लड़की थी तो गुहार लगाई तो एक औरत आई, वही ने भगाया तो फिर भाग के गन्ना मल गया सांड। फिर देखा आप लोगों ने उस सांड को? हाँ, पर था। हाँ। क्या कैसे चोट लगी? क्या बहुत मुँह में दाँत पूरा टूट गया था। हाँ। दाँत टूटने के बाद में भी लग गया था। हाँ। और हाथ में भी चोट आ गई थी, अब सीने में भी चोट आ गई थी, फिर चिरखाना लेके गए थे, उसकी मौत देखने वाली थी नहीं। इस कहानी को समझने के लिए रुख करते हैं 2017 का। उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सीएम बने योगी आदित्यनाथ। चंद महीनों में उन्होंने बड़े फैसले भी ले लिए। पहली सरकार है जिसने प्रदेश के अंदर अवैध भूजल खानों को पूरी तरह प्रतिबंधित करके जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर गो हत्या की बात तो दूर, गो पे क्रूरता करेगा उसकी जगह जेल में होगी। अवैध बूचड़खानों के बंद होने के साथ कथित गोमांस खाने और गाय की तस्करी के नाम पर कई हिंसक वारदातें भी हुईं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आवारा मवेशियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, बढ़ रही थी उनकी भूख भी। दिन में 12:30 बजे मैं अपने खेत में जानवर घुसे थे, उनको हांकने के लिए गया, वो मेरे को दौड़ा लिए, फिर मैं वहां से भागा, तार आगे बंधा हुआ था, तार से नहीं निकल पाया, फिर किसी तरह भागने की कोशिश किया, हाथ उसमें फंस गया, फिर मैं अपनी जान बचाकर भाग के आया। बड़े शहर या छोटे गांव, यूपी ने मवेशियों का ऐसा आतंक पहले शायद ही देखा हो। पालतू जानवर सड़कों पर आते ही हिंसक भी होते गए। भूपेंद्र दुबे दिल्ली में नौकरी करते थे और कोरोना की पहली लहर के लॉकडाउन में घर लौट आए थे। बच्चे के लिए टॉफी लेने गए थे लेकिन बाजार में एक सांड ने उन पर हमला बोल दिया। मैंने बताया उनसे कि घर का सामान ले आइए, बोले ठीक। इसके बाद में फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं 9:45 बजे फ़ोन की उनको, तो बोले 5 मिनट में मैं घर पहुंच रहा हूँ, 5 से 10 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। उसके बाद फिर उनसे मेरी बात नहीं हुई। अब कैसे परिवार कैसे चलता है कि? कैसे चलता है क्या, वो मेरे पिताजी हैं, खाने पीने की व्यवस्था वही करते हैं, वैसे चल रहा है, कोई है थोड़ी ना देखने वाला। आधी रात का समय है और जाड़ा जबरदस्त है, लेकिन ये गांव वाले इस वक्त घने जंगलों के बीच अपने खेतों में नाइट पेट्रोल पर निकले हैं और ये लोग ये तब तक करेंगे जब तक एक फ्रेश टीम इनको रिप्लेस नहीं कर देती। ये एक रूटीन सा बन चुका है और इस सिलसिले से ये सभी लोग नाखुश हैं क्योंकि इसके अलावा इनके पास इस वक्त कोई और विकल्प नहीं है।
करीब करीब हर जिले में आवारा मवेशियों ने किसानों, खासतौर पर छोटे किसानों की नाक में दम कर रखा है। चुनाव के मौसम में इस पर सियासत भी गर्म है। अन्ना जानवरों के लिए भी कुछ नहीं किया। जाहिर है सभी राजनीतिक दल मसले को अपने वोट बैंक की नजर से ही देखेंगे, लेकिन आम किसान का दर्द कुछ और है। जब इससे कोई दैवीय आपदा आती थी, कोई बीमार होता था या कोई मर जाता था, तो भैया जानवर को हम बेच लेते थे और अपने पूरी कमाना घर की प्रक्रिया जैसे हम बांटे चला लेते थे। और आज के ऐसी मतलब स्थिति हो गई है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है, जैसे कहना कोई घर में कबाड़ हो गया बाहर निकाल के। भारत में करीब 20 करोड़ मवेशी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। सरकारी आंकड़ों को खंगालने पर पता चला कि औसतन जहां देश में आवारा मवेशियों की आबादी कम होकर 50 लाख पहुंची है, यूपी जैसे कुछ राज्यों में ये 15% से ज्यादा बढ़ी है। राजेश कुमार वैसे तो अपने चाइनीज ठेले के लिए मशहूर हैं, लेकिन खेती भी करते हैं। कि हम यहाँ पर जैसे दुकान लगाते हैं, हफ्ते में या 15 दिन में 2 दिन, 1 दिन बंद करके हम जाते हैं, जो है खेत में जाते हैं, वहाँ पर खूंटा गाड़ते हैं, खूंटा गाड़ करके तार या रस्सी वगैरह से बांधते हैं, रस्सी वगैरह बांध कर जो है उसको देखते हैं, फिर वगैरह जो है 7 दिन में 8 दिन में फिर जाकर देखते हैं। हम लोग दुकान यहाँ बंद कर देते हैं, हर्जा बहुत होती है, लेकिन क्या करें इसमें। लेकिन कुछ लोगों के पास तो सिर्फ फसल ही है पेट भरने के लिए। खा लिया है धान सब, और हम वहाँ साहब रोए हैं, उस खेत में हम साहब रो पड़े हैं। साहब तैयार कर लिया किसी तरह, बोल रहा हम बहुत खा लेंगे। अरे परेशान होके चिल्लाए हम लोग, इकट्ठा होके कहने लगे क्या हुआ, हमने कहा ये धान देखो सब खा लेंगे, इतनी परेशान। यूपी सरकार ने 1.5 साल पहले गोहत्या कानून को सख्त करते हुए 10 साल तक की सजा तय कर दी थी। सरकार का कहना है कि प्रदेश में 5,300 गोआश्रय हैं, जिनमें लाखों मवेशियों को रखा गया है। जाहिर है इनमें से अधिकतर आवारा रहे होंगे। आप उनको आवारा पशु न कहिए, मैं कहूंगा कि वो गोवंश कहे जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी बुजुर्ग होगा, जो भी इस मृत लोक पर पैदा हुआ है, आज नहीं कल, हर चीज की उम्र है मृत्यु लोक पर। तो अगर कोई गाय हमको कल दूध देती थी, आज नहीं दे रही है, तो हम उसे भगा नहीं सकते। हम सब हिंदू समाज के अंदर हैं और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से सरकार ने उसकी योजना बनाई है, समाज से भी सहयोग लेके हम उसकी योजना बना रहे हैं, और ये अभी थोड़ी मोड़ी समस्या दिख रही है तो हम उसका समाधान तलाशे हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में निर्देश जारी किए कि बाहर घूम रहे सभी मवेशियों को गो आश्रय पहुंचाया जाए और इन आश्रयों की तादाद बढ़ाई जाए, मगर ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है। इस तरह की जो गौशालाएं हैं, ये सरकार ने बनवाई हैं, जिसमें मवेशी रखे जाते हैं, जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी आपकी होती, क्या ये गौशालाएं काफी हैं जितने मवेशी, क्योंकि चारों तरफ हमें सिर्फ आवारा मवेशी दिख रहे हैं? काफी तो नहीं है सर, काफी नहीं है, नहीं काफी नहीं है, जितनी बनी है काफी नहीं है। इसमें कितना कितने मवेशी हैं अभी? इसमें 200 मवेशी। 200, और वो आवारा थे, बाहर घूम रहे थे? जी 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 जी। अभी बाहर इस इलाके में कितने और होंगे? कुछ नहीं तो कम से कम 1,700 इतने है। लेकिन कुछ लोग अब नाउमीद हैं। 80 साल की रामकली मिश्रा पिछले 2 साल से कोमा में हैं। उन्हें भी एक सांड ने मारा था। रामकली को यह तक नहीं पता कि उस घटना के बाद उनके बेटे को कोरोना निकल चुका है। देवशीष कुमार के साथ नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी उत्तर प्रदेश।